हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन हैज वन अजर्शन वन रीजन, अंडरस्टैंड करके करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। अजर्शन कहता है इन इलेक्ट्रोलिसिस द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नीडेड फॉर डिपोजिशन ऑफ वन मोल ऑफ सिल्वर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट रिक्वायर्ड फॉर वन मोल ऑफ कॉपर। एंड रीजन कहता है द मॉलिकुलर वेट्स ऑफ सिल्वर एंड कॉपर आर डिफरेंट। ठीक है, सो पहली बात तो रीजन समझ में आता है कि ये बिल्कुल ट्रू है, रीजन जो है बिल्कुल ट्रू है। द मॉलिकुलर वेट्स ऑफ सिल्वर एंड कॉपर आर डिफरेंट, मॉलिकुलर वेट जो है सिल्वर के और कॉपर के डिफरेंट है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। सिल्वर का कहीं 108 के आसपास होता है तो कॉपर का कहीं 63 के आसपास होता है। ठीक है, सो दोनों के डिफरेंट है। अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस वो प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। सो कह रहे द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नीडेड फॉर डिपोजिशन वन मोल ऑफ सिल्वर। अगर मैंने वन मोल ऑफ सिल्वर ले लिया, यानी कि वन मोल ऑफ Ag पॉजिटिव ले लिया, इसको डिपॉजिट कराने के लिए मुझे वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मुझे वन मोल ऑफ सिल्वर मेटल डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पर। ठीक है, बट अगर मैं कॉपर बोलूं, वन मोल अगर मुझे कॉपर डिपॉजिट कराना है तो CO2 पॉजिटिव लेना पड़ेगा। CO2 पॉजिटिव में दो इलेक्ट्रॉन, दो मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एड कराऊंगी तब जाके वन मोल ऑफ कॉपर डिपॉजिट होगा। ठीक है, सही बात है। तो आप क्या देख रहे हो कि दोनों के ही मेटल्स के वन वन मोल डिपॉजिट हो रहे हैं इलेक्ट्रोड पे, कैथोड पे बेसिकली, बट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दोनों में क्या है, डिफरेंट है। सो यहाँ पे लिखा है इज डिफरेंट फ्रॉम दैट, सही सही बात है, डिफरेंट है, तो ये भी ट्रू है। तो रीजन जो है अजर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है, बट रीजन जो है अजर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता कि क्यों अजर्शन करेक्ट है। इस वजह से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेस्ट ऑप्शन वुड बी इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।